मोदी दुल्हा हाउस, दुल्हन आप देखिए दुल्हा हम सजाते हैं, चिड़ावा में नंबर वन दुल्हा हाउस, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको अनेकों प्रकार की वैरायटी, विश्वास का एक ही नाम मोदी दुल्हा हाउस। नमस्कार दोस्तों, चिड़ावा शिवनगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चिड़ावा सरकारी हॉस्पिटल की लापरवाही सामने जो आई है वाकई में शर्मनाक है। और दोस्तों, चिड़ावा सरकारी हॉस्पिटल के जहाँ भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर आसपास के गाँव के लोग वहाँ पर एक अच्छी सुविधा के लिए सरकार पर भरोसा करके वहाँ पर आते हैं, और ऐसी लापरवाही जब सामने आती है तो फिर शर्मनाक ही कहा जाएगा। ऐसी लापरवाही जो हॉस्पिटल के प्रशासन द्वारा की गई है, बरती गई है, वाकई में इसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल प्रशासन को लेनी पड़ेगी। सीजरियन डिलीवरी बताई गई पेशेंट को कि आपकी डिलीवरी सीजरियन होगी, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गए पीड़िता को, और उसके बाद में जब डिलीवरी करते समय, ऑपरेशन करते समय जब लाइट चली गई तो हॉस्पिटल प्रशासन के पास जनरेटर लगा हुआ है हॉस्पिटल में, लेकिन या तो उसमें तेल नहीं है या फिर उसको चलाने के लिए उचित कर्मचारी नहीं है उनके पास, या फिर उन्होंने जो हॉस्पिटल में जो डिलीवरी करवा रहे थे जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर, उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब ये लापरवाही किसकी है, इस पर जांच होनी चाहिए। दोस्तों, भोमपुरा के जो निवासी हैं वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल पहुँचे, और जब उनके साथ ये वाकया हुआ उस समय डिलीवरी ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई भी घटना हो सकती थी, अनहोनी हो सकती थी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। दोस्तों, अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और पूरा वीडियो जरूर देखें। आगे देखिए जो प्रसूता के साथ में जो उनकी ननद है उनका क्या कहना है, और आप भी अपनी राय जरूर रखें बार बार। आप बबीता जी क्या लगते हैं? मैं बबीता जी ननद हूं। जी, कल क्या हो गया था कि ऑपरेशन के वक्त कोई तकलीफ, कोई समस्या हुई? वो तो लाइट में प्रॉब्लम, लाइट चली गई थी बता रहे हैं, लेकिन वो जनरेटर की भी सुविधा नहीं हो पाई थी। लेकिन कितने बजे की डिलीवरी केस है? 10 बजे से 2-4 मिनट पहले हुआ था। सुबह या रात को? सुबह 10 बजे। तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर था आपका पेशेंट? हाँ। और उस समय लाइट चली गई थी, पूरी बात बताओ आप। वैसे तो मैं कल यहाँ पे थी नहीं, मैं तो कल डिलीवरी होने के बाद मैं 1 बजे पहुँची थी दोपहर, 1-1.5 बजे। लेकिन मैंने भी ऐसे सुना है कि लाइट चली गई थी, जनरेटर की व्यवस्था भी नहीं हो पाई थी। जो भेजा गया उसमें तेल वेल की प्रॉब्लम बता रहे हैं लाने के, तो अभी फिर वो एक बार तो डॉक्टर भी घबरा गए थे कि बस अभी क्या करें, तो उन्होंने मोबाइल की सहायता से मतलब डिलीवरी बहुत अच्छे से की, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमारा बच्चा भी स्वस्थ है। और ये मतलब मेरी भाभी है वो भी अभी स्वस्थ है फिलहाल जी। और वैसे पूरी सुविधा मिल रही है, ग्लूकोज ग्लूकोज सब टाइम पे है, वैसे हॉस्पिटल की तरफ से और कोई दिक्कत नहीं है हमारे। उस दिन तो लाइट चली गई थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तो लाइट तो चली जाए क्या है, लेकिन इन लोगों को जनरेटर की भाई वो रखनी चाहिए थी, उसमें पेट्रोल होना चाहिए था, वो उसकी व्यवस्था पूरी रखनी चाहिए थी हॉस्पिटल को। अगर मोबाइल नहीं होते तो क्या हो सकता था? वो तो अभी कुछ भी हो सकता था, उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे तो ये कल रात की घटना नहीं है ना, और जनरेटर चल रहा था, चलते चलते जनरेटर में कोई टेक्निकल मिस्टेक आ गई थी जिसे तुरंत ही दुरुस्त करवा दिया गया था। हार्डली 10 मिनट लगे होंगे, और ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था, पेशेंट को बाहर लाने वाले थे, उस टाइम जनरेटर में टेक्निकल मिस्टेक आई थी। तो समाचार पत्रों के अंदर जो खबर आ रही है? नहीं, ये बिल्कुल निराधार है, इस तरह का कुछ नहीं है कि डीजल नहीं था, डीजल हमारे पास जनरेटर का टेक्निकल रहता है, और उसके अलावा हम बैकअप रखते हैं। बताया जा रहा है कि बैकअप था लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, जनरेटर चलते चलते टेक्निकल मिस्टेक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मिस्टेक आ सकती है, जिसे 10 मिनट के अंदर अंदर दुरुस्त करवा दिया गया था।